अब आपने कई सारे बंदों को पबजी में गलत सीन करते देखा होगा, नशे में खेलते देखा होगा। यार आज जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बोट को नशे में देख रहा हूं। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक विराट न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार 31 किल हो जाते हैं, ये मेरे ख्याल से दूसरी बार हो रहा है इस सीजन में, नहीं तो यार बंदे ही नहीं मिलते। ठीक है, अभी देखो रोझाव का रखा हूँ, यहाँ पे भी बंदे नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना भटकता हूँ मैं इस मैच में, हर जगह पहुँचा होता हूँ मैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से किल होते हैं। खैर जो भी सीन होंगे थोड़ा आगे जाऊँगे, फिलहाल रोझाव का रखा हूँ, एक सस्ती उजी मिल रखी है मुझे अभी। और हमारे भाई भी उसी घर पे आते हैं जहां पे मैं पहले घुस रखा हूं, है ना। नीचे भाई होते ऊपर मैं होता हूं, मैं नीचे कूदता हूं भाई ऊपर चढ़ जाते हैं। और अब आपको देखने को मिलेगा कि क्यों क्यों कहीं पे भी बंदे नहीं मिलते आजकल। और यही एक वजह है जिस वजह से यार बंदे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते। जो भी बंदे मिलेंगे, जो भी किल मिलेगी ढंग से, वो आखिरी जोन में मिलती है ना, क्योंकि यार गाड़ी उठाई भाई ने, अब वो न जाने किधर जाएगा वो बग्गी वाला बंदा। एक बंदे को तो पकड़ लिया रास्ते में, लेकिन यार जो दूसरा है वो पता नहीं स्टालबर्ट झरकी कहाँ पे पहुंचेगा अब। और थोड़ी सी गर्मी क्या बढ़ गई, भाई ने कपड़े ही फेंक दिए। ठीक है, नंगा पुंगा पता नहीं कहां से भगते हुए आ रहा है, मेरे ख्याल से ये भी बाइक लेके भाग जाता। अच्छा हुआ टाइम पे पहुंच गया मैं। तो देखो रोझॉक में आके 3 बंदों की किल हुई। ठीक है, मतलब एक को तो यार रस्ते में पकड़ लिया, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। उसके बाद यार रोझॉक में बचे कुचे बॉट पे लो मैं, यही होता है भाई, जहां पे भी उतरो 2-3 बंदे मिलते हैं, बाकी बॉट पे लो, फिर भटकते रहो पूरे मैप में, और कभी कभी भटकने के बावजूद भी किल नहीं मिलते। खैर यहाँ पे जो भी बंदे बचे कुचे पड़े होते उनको पेल देता हूं मैं, लूटना चालू करता हूं, और लूटने के बाद धैड़ पैर निकलते हैं, और उसके बाद रोझोक छोड़ के सीधा झूर जा जाते हैं। अब देखो आजकल सीन क्या होता है, अगर ये झूर वगैरह के ऊपर से प्लेन जा रहा है तो वहां पे कोई भी नहीं आएगा, लेकिन अगर रोझोक क्यों कह रहा हूं मैं बार बार, लेकिन अगर झूर झूर ये जगह दूर होती है तो भैया बंदे पहुंचे हुए होते गाड़ी लेके। तो करना क्या था, मैं भी गाड़ी लेके आ जाता हूँ, किल का भूखा मैं भी हूं, किल चाहिए यार, केडी कैसी बढ़ेगी। और यहाँ पे बंदे होते हैं और वो गोली चलाएंगे अपने पे अभी। और यहां पे यार डीपी पटकने की आवाज आती है तो हम भी यहीं रुक जाते हैं। और यहां जॉर्ज में भी सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे मिलते हैं, है ना। रोझोक उतरा वहां पे 3 बंदे मिले, जॉर्ज आया यहां पे भी 3 ही बंदे मिलने, यार चल क्या रहा है यहाँ पबजी में। और यहाँ पे हर जगह पे यही सीन हो रहा है, 3 बंदे पेल लाऊं एक बॉट मिल रहा है, 3 बंदे पेल लाऊं फिर से एक बॉट मिल रहा है। और बॉट से याद आया, आगे जाके आपको एक नशीला बॉट देखने को मिलेगा, मतलब आपने देखा होगा यार बंदे नशीले खेलते हैं ना, बिल्कुल कुछ भी करते हैं हरकत, लेकिन आज बॉट के नशे में आपको दिखाऊंगा। खैर इससे पहले कि मैं जाऊं और बॉट गलत हरकतें कर दे हमारे साथ, हम भेड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xBet, जिसके मदद से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और इसके साथ साथ ई स्पोर्ट्स पे भी बैट लगा सकते हो और अपनी प्रिडिक्शन स्किल्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको 7,000 रुपये तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। और इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप गेम्स खेल के भी पैसे अर्न कर सकते हो। तो हाँ यार, अगर आपको इस सब चीज़ का शौक है तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और उसी के साथ तुम्हारा भाई पोचंकी आ गया है, और देखो जरा भाई किधर पे कैंपिंग कर रहे हैं।
अब ये सीन जो उस बंदे ने किया आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। आप घर पे बैठे हो, बिल्कुल मस्ती मौज, आपके अपने ही गलत सीन चल रहे हैं, अचानक से धड़ पे रिश्तेदार आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल छुप के देखते हो, अरे भैया कौन आ गया इस टाइम पे। तो वो बंदा भी वही कर रहा होता है, वो भाई लेट के अपना बिल्कुल पता नहीं कौन से गत्ते फूक रहा है वहां बैठ के। वो उठ के देखता है हल्का सा, अरे भैया कौन आ गया यहाँ गाड़ी लेके। और देखो हम तो ढीठ यार, एक बंदा हो, डेढ़ बंदा हो, आधा बंदा बैठा हो, घुस के जरूर पेलेंगे। अब देखो बंदा छत पे चढ़ा है ना, लेकिन नीचे भी मुझे कोई दिखता है, तो मुझे लगता है यार भाई का टीममेट होगा, लेकिन देखो कौन होता है ये। अब आपने कई सारे बंदों को पबजी में गलत सीन करते देखा होगा, नशे में खेलते देखा होगा। यार आज जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बोट को नशे में देख रहा हूं। बोट को नशे में, मतलब भाई क्या चल रहा है आजकल पबजी में भाई। बोट खिड़की फांद के अंदर आता है, उसके बाद लेट के आगे बढ़ रहा है भाई। ऐसे नशे तो कोई भी नहीं करता यार, किसी बंदे ने आज तक ऐसे नशे नहीं किए जो ये नशा बोट कर रहा है। खैर हम क्या ही बोल सकते हैं यार, पबजी मतलब अजूबा ही गेम है भाई, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे। खैर उस बंदे को ढूंढने में आ जाता हूँ जो छत के ऊपर बैठा था और भाई छत से कट लिए होते हैं। और इन भाई का जब छत से मन भर जाता है भाई, नीचे आके बैठ जाते हैं, वो भी सीढ़ियों के नीचे। ये भी नहीं कि कहीं पे ठीपी भी ले लूँ, ये भी नहीं कि कहीं कोने में घुस जाऊँ भग लूँ, नहीं भाई, भाई नीचे आते सीढ़ियों के नीचे बैठ जाते धड़ पेड़, है ना। मतलब बंदा जब मैं गाड़ी से आ रहा था भाई, छत के छज्जे के ऊपर बैठे थे, छत पे भी नहीं था यार बंदा, छत से भी ऊपर था ये भाई अलग लेवल में था। उसके बाद जब मैं अंदर आता हूँ भाई, सीढ़ियों के नीचे आ जाते हैं। खैर भाई को पकड़ लिया, पूछताछ करने की कोशिश चलती है ना, लेकिन यार कुछ नहीं बोलते भाई, भाई का माइक बंद रहता है, तो हाँ भाई की पेटी बनानी पड़ी। खैर उसके बाद मैं मिल्टा आ जाता हूँ। यार इस मैच में मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, पोचंग की जा चुका हूँ, रोजॉक जा चुका हूँ, जोर जा चुका हूँ, अब मिल्टा आना पड़ रहा है यार। खैर यही सब करना पड़ता है यार, ज़्यादा किल चाहिए तो ऐसे ही भटकते रहना पड़ता है पूरे दिन भर। और आखिरकार जाके मेरा भटकना कामयाब हो जाता है। मतलब जितना मुझे लग रहा है यार, कम से कम 3-4 बंदे दबा के गोलियां चला रहे हैं, गाड़ी पे डैमेज देते हैं, हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। मैं बोलता हूँ यार इनको पकड़ के पेलेंगे। और गिल्ली सूट वगैरह भी है यार, डिरॉप वगैरह लूटे थे, लेकिन मेरे काम की गन नहीं मिली। खैर जो भी हो, इन लोगों को देखने के लिए मैं यहाँ पे रुका होता हूँ कि कौन से घर से ये फायरिंग कर रहे हैं। और उतने में ही ये लोग भागने की तैयारी में आ जाते हैं। और हमारे भाई एक बंदा नॉक कर देते हैं, तो देखो अब हमसे कद्दू भी नहीं रुका जाएगा, पूरा मैच गाड़ी घुमाइए यार, आखिरकार जाके एक्शन मिला है, तो हम भी गाड़ी लेके चढ़ जाते हैं इन पे। और यहाँ पे तीन बंदे नॉक पड़े होते हैं इनके, और एक बंदे को यार समूह के अंदर एडजस्ट करके पेला कतई, तो अब रस करना ही पड़ेगा बिल्कुल। गाड़ी फोड़ दे। और इसी के साथ ये पूरी स्क्वाड ढिल जाती है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने तीन बंदों को झाड़ी में एडजस्ट करके पेला, झाड़ी में नहीं यार क्या क्या बोल रहा हूँ, समोक में एडजस्ट करके। यार बोट के नशे मुझे लग रहा है मेरे दिमाग पे चढ़ गए हैं, कमेंट्री भी नहीं ठीक से कर पा रहा हूँ। खैर वो सब छोड़ो भाई लोग, इस समोक में एडजस्ट उडजस्ट के लिए यार लाइक जरूर पेल देना। अब देखो समोक बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर आप ओपन में हो और मेरी तरह ढीठ बंदे आपके सामने खड़े हैं जिनको यार कद्दू फर्क नहीं पड़ता ये गोलियां बर्बाद करने से, तो यार आपको स्मोक में एडजस्ट करके भी पेला जा सकता है। मतलब यार मैं तो स्मोक में भैया AWM पटका देता हूँ, ये तो फिर भी सस्ती एमओ है ये। खैर जो भी हो, इस स्मोक में एडजस्ट के लिए यार लाइक पेलना मत भूलना, बिल्कुल ठोक के नीला टैप कर दो। और ये जो मैं ठुकान करता हूँ ना, इससे यार एक दिन मेरी घर पे ठुकान होने वाली है, वो भी बहुत जोर से,
बहुत जोर से ठुकान होने वाली है। चीजें चूजें टूटती रहती है यार, लेकिन क्या करे यार, जोश बहुत है तो करते रहना पड़ता है। खैर वो सब छोड़ो भाई लोग, तैयार हो जाओ क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा जहर, थोड़ा आगे जाके बहुत ही ज्यादा जहर स्प्रे वगैरह देखने को मिलेगा आपको M4 का। अब ये तो यार सस्ता स्प्रे है, इसकी बात नहीं हो रही है, आगे जाके पूरी स्क्वाड निपटा देंगे। अब यहां पे सीन क्या होता है, जब मैं गाड़ी से इधर रुक रहा होता हूं तब मैं सांप को देख लेता हूं, लेकिन जब मैं स्कोप खोलता हूं भैया सांप गायब। ठीक है, स्क्रीन में नहीं दिख रहा, झाड़ी में नहीं दिख रहा, गायब बिल्कुल। उसके बाद थोड़ी देर में होश में आता हूं, बोलता यार ढंग से देखो दिखेगा जरूर, और तब जाके सांप दिखता है। तो मैं बोलता यार स्प्रे तो हुआ नहीं अपने से, क्यों ना कटाकट करके पेला जाए। तो एक आध गोली चला के यार आखिरकार सांप को मैं पेलता हूं। अब उस भाई के बाकी सांप दोस्त किधर है हमें कद्दू भी नहीं पता। खैर यहां पे मैं गाड़ी लाता हूं और यहां पे तीन बंदे बैठे हैं, शायद वो बंदा इन्हीं की टीम का था। और यार एज्जा साज बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, मतलब गोलियां चला रहा हूं बीच में पेड़ के पत्ते आ गए। खैर उसके बाद भी जैसे तैसे मेरे सस्ते तुक्के लग जाते हैं और बंदा ढिल जाता है गलती से। तो करना क्या था यार, गाड़ी उठाओ और दे पटक के मारो घर पे। ऊपर है और मुझे लगा था यार हर कोई घर के अंदर बैठा होगा, लेकिन वो बंदा पता नहीं राइट से किधर से आ रहा है। खैर उस भाई को मैं रास्ते में ही पकड़ लेता हूं। और अब छत वाले बंदे की बारी। मुझे लग रहा है भाई यहां आधे से ज्यादा बंदे नंगे पुंगे क्यों बैठे हैं, छत के ऊपर वाला बंदा भी भैया नंगा घूम रहा है बिल्कुल, छत में हवा दबा के खा रहे भाई। खैर जो भी हो, तीन बंदे यहाँ बैठे होते हैं, चौथा बंदा होता नहीं इनका, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है वो जो पीछे सांप बना था वही इनका चौथा टीममेट था। खैर जो भी हो, इन लोगों की पेटी बना देते हैं और जोन इस बार काफी अलग जगह बन रहा होता है, मेंशन की तरफ। और यार आखिर में जो सांप मिलेगा ना भाई, उससे खतरनाक सांप मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मुझे लगता है मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, लेकिन यार हर बार ऐसी सीन होते हैं, हर बार ऐसी सीन होते हैं भाई, करते करते हर बार, हर एक मैच के बाद जब भी मैं सांपों से मिलता हूँ ये खतरनाक ही होते जाते हैं। खैर वो तो एंड में होगा, देखना जरूर। फिलहाल के लिए जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे गोलियां दबा के चल रही है, और मैं इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि यार 22 ही किले और बंदे आपस में ठिल जाएंगे तो मेरे साथ गलत सीन हो जाएंगे, रस तो करना ही पड़ेगा। तो मैं लेके चलता हूँ गाड़ी और तैयार हो जाओ M416 के स्प्रे के लिए, सस्ते सपरे के लिए। ऊपर से नीचे आ रहा बंदा, अबे चार, तीन तीन चार है। और जैसे मैं ये बात सुनता हूँ ना कि यार तीन चार बंदे ऊपर में, मैं बोलता हूँ यहीं पे रोको गाड़ी को। तेरा नॉक है क्या? और यहां पे जब मैं गोलियां चलाना बंद करता हूं, ठीक है, जब मैं गोलियां बर्बाद करना बंद करता हूं, मुझे पता चलता है यार 4 किल हो चुके हैं यहां पे। ठीक है, ये बंदे भैया फुल चौड़ में आए थे, एक बंदा नोक पड़ा था। पहले तो यार मैं सबसे पहले उस पे गोली चलाता हूं, बाकी बंदे मुझे पेल दे, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, किल चुराना जरूरी होता है बहुत। तो पहले मैं उस बंदे की किल चोरी करता हूं, और ये लोग अपने में ही मस्त होते हैं, ये लोग आगे किसी से फाइट ले रहे होते हैं। मैं पीछे से आता हूं और चारों के चारों को पेल देता हूं। अब देखो इन लोगों ने बचने के लिए सब कुछ कर लिया, ठीक है, पेड़ के पीछे चल लिए, स्मोक कर दिया, आखिर ये बंदा यार स्मोक कर रहा था, करते करते पकड़ लिया भाई को, और एक बंदा भागने की भी कोशिश कर रहा था, उसे भी लपेट लिया बिल्कुल। अब देखो M4 4X का मुझे नहीं पता, क्योंकि M4 4X हद से ज्यादा सस्ता चलाता हूं मैं, लेकिन M4 6X
थोड़ा बहुत काम चलाऊ चल जाता है तो यार मजा टैप आ जाता है सप्रे के से। खैर जो भी हो, चार बंदे पेलने के बाद मैं खुश टैप हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ यार बस चिकन हो जाए, मजा टैप आ जाएगा, सेटिस इन्फेक्शन पूरी मिल जाएगी। तो थोड़ा संभल के खेलेंगे, ठीक है, रसी करेंगे अभी भी। और हमारे भाई को पबजी में भी रिंगा रिंगा खेलना है, ठीक है। गाड़ी हम घुमाए जा रहे, बंदा पेड़ पे घूमे जा रहा है। खैर भाई को अभी पकड़ लिया, लेकिन अब जो भी बंदे बाकी हैं वो आगे की तरफ ही बाकी हैं। और बना रहा हूँ डरसिया का। अब देखो हमारे भाई ये डरसिया का कवर तो बना देते हैं, ये सस्ती गाड़ी का कवर बना देते हैं, लेकिन अगर गाड़ी फट गई ना तो बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखो हर कोई मेरी तरह ढीठ नहीं होता, हर किसी को गोली बर्बाद करने का शौक नहीं होता, तो वो लोग गाड़ी नहीं फोड़ते, क्योंकि अगर गाड़ी फोड़ देते तो यार भग के जाना पड़ता जोन में। आपको भी बताया यार, जोन अपने पे नहीं बनेगा, मतलब 100 में से 150 बार जोन अपने पे नहीं बनता तो कोई नई बात नहीं है इसमें। लेकिन यार जब बनता है ना जोन अपने पे, मजा टैप आ जाता है, सारी किल सारी केडी उसी मैच में बचा लेते हैं। खैर जो भी हो, मैं राइट ये पत्थर की तरफ भगता हुआ ना, काफी महंगा पत्थर दिख रहा है और मुझे नहीं लगता कोई नेड करके पेल पाएगा मुझे। खैर कुछ कह नहीं सकते यार, कुछ भी हो जाता है। तो मैं अपनी M24 उठाता हूँ, है ना, बगल वाले बंदे से M24 उठाता हूँ जिसका पूरे मैच में कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। क्या करे, या तो मुझे ही ऐसा लग रहा है या तो फिर यार इस मैच में मैं कुछ ज्यादा ही स्मोक में एडजस्ट कर रहा हूं। और यहाँ पे पहले मुझे लग रहा था ये चार बंदे होंगे, लेकिन सीन क्या होता है, ये बस तीन ही बंदे होते हैं और चौथा बंदा गायब है यहां से, ठीक है। चौथा बंदा किसी और ही टीम का है और पता नहीं कहां पे लेटा पड़ा है। तो मुझे क्या लगता है, देखो रोड के उस पार वैसे भी ये तीन बंदे लेटे पड़े थे, तो क्या पता चौथा बंदा इस पार हो जहां पे पीली घास पड़ी है। लेकिन सीन बहुत ही अजीब होते हैं यहां पे भाई, मैं गाड़ी जान लगा के घुमाते हम लोग लेकिन बंदा नहीं मिलता। और देखो मानो या ना मानो, इस बंदे से खतरनाक सांप मैंने आज तक नहीं देखा। कहां पे लेटा पड़ा है कोई भी नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता, मेरे ख्याल से उसे खुद नहीं पता होगा वो कहां पे लेटा है, ठीक है। सारी झाड़ियों पे गोली चला दी, सारी झाड़ियों के ऊपर से गाड़ी ले जा दी, बंदा अभी तक नहीं दिखा है। और उसके ऊपर से हमारे भाई के अपने ही नशे हैं। अबे बटन काम नहीं कर रहे थे। और देखो जून के बाहर हम जरूर गए, लेकिन मेरा फायदा हो गया, मुझे एक नया बहाना मिल गया। अब से जब भी मैं नौकूंगा मैंने यही बोलना है, भैया हमारे बटन ही काम नहीं कर रहे भैया, और वैसे भी अब गर्मी आ गई तो यार पसीना दबा के होगा, काम कैसे करेंगे। तो देखो एक समोक बनाया है हमारे सांप भाई ने, और यार कहाँ पे बैठा होता है वो देखो आप खुद। उसके पीछे ये वाला नहीं है। अबे मेरे तो काम नहीं कर रहे लॉल। और यार ये बंदा सांपों का सरदार है भाई, इससे खतरनाक सांप आज तक कोई नहीं आया है जहां तक मुझे पता है, या आया भी होगा तो यार पेल के चल दिया होगा, तो क्या ही कह सकते हैं। तो देखो ये बंदा, हम यहाँ पे इतने सारे चक्कर लगाते कि मैं गिन भी नहीं पाया, ठीक है, कम से कम 30-40 चक्कर यहाँ पे लग जाते भाई, बंदा मिल के नहीं देता।
ठीक है 30-40 ज्यादा हो गए, लेकिन यार समझो यार फीलिंग को समझो। इतनी गाड़ी घुमाते भाई, झाड़ी पे गोली चला ली, पत्थर पे गोली चला ली, हवा में गोली चला ली, मतलब मुझे तो बहाना ही चाहिए होता है गोली बर्बाद करने का, लेकिन बंदा नहीं मिला। आखिर में जाके बंदे का हेलमेट दिखता है और पेल देता हूं मैं उसे वहीं पे, क्योंकि अगर उसे नहीं पेलता ना मैं, तो यार हमारे भाई वैसे भी जून के बाहर गाड़ी लेके जा रहे थे, बाइक का बटन काम नहीं कर रहा है, खैर गर्मी आ रही है तो यार गलत सीन भी बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बालो यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जाते जाते लाइक के बटन को ठोक के पेलना मत भूलना, नीला टैप कर दो बिल्कुल ही। और अगर आपने भी ऐसे सांप से टक्कर लिया है कभी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना यार, क्योंकि मेरे तो यार मैं तो भाई फैन हो गया इस सांप को, भाई कब से जिंदा रहा ये, कितने चक्कर लगाए, लेकिन भाई डटे रहे लेटे रहे। तो आज के वीडियो में इतना, भाई लोग यार जाते जाते एक एक्स बैट चेकआउट करना मत भूलना, उसके लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, बाय बाय।